Hello and welcome to Learn English with Ram. Dear students, today we will learn summary and long answer type questions from the lesson Footprints Without Feet by H.G. Wells. So let's discuss summary first. आपने मिस्टर इंडिया मूवी तो देखी ही होगी जिसमें अनिल कपूर के पास एक ऐसी वॉच है जिसका अगर बटन दबा दिया जाए तो आदमी इनविजिबल हो जाता है। आज की कहानी भी समवट लाइक मिस्टर इंडिया। इसमें ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जिसने एक ऐसी रेयर ड्रग का डिस्कवर किया जिसको अगर बगैर कपड़ों के निगल लिया जाए तो आदमी इनविजिबल हो जाता है। अब होता ऐसा है जिसके पास पावर आती है वो तो या तो उसका यूज करता है या मिस यूज करता है। इसमें ग्रिफिन इसका मिस यूज करता है। जिस घर में ग्रिफिन रहता है उसके मकान मालिक के साथ बनती नहीं, आपस में एक दूसरे को हेट करते हैं क्योंकि मकान मालिक ग्रिफिन को निकालना चाहता था घर से। इसलिए ग्रिफिन ने उसका बदला लेने के बारे में सोचा और उसके घर को आग लगा दी और वहां से भाग गया। अब जैसे ही बाहर निकलते उसने अपने कपड़े निकाले और इनविजिबल हो गया। उस वक्त सर्दियों का समय था, लंदन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। अब उसका पैर कीचड़ में गिर गया और कीचड़ के पैरों के निशान जा रहे थे लंदन की गलियों में। उनके पीछे पीछे दो लड़के और जा रहे थे, वो बड़े हैरान हो गए। भाई ये क्या बात है कि पैरों के तो निशान दिखाई दे रहे लेकिन आदमी कहीं नहीं। वो डर तो गए लेकिन वो उसका पीछा करते रहे। अब निशान धीरे 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 कम होते चले गए और अंत में ओझल हो गए। इस प्रकार ग्रिफिन वहां से बच गया लेकिन सर्दी तो लग रही थी, बगैर कपड़ों के था। और उसने एक लंदन का स्टोर देखा और उसके अंदर वो दाखिल हो गया। रात काफी हो चुकी थी, लंदन के स्टोर को बंद कर दिया गया, लॉक लगा दिया गया। बाद में उसने एक बॉक्स को खोला, गर्म कपड़े डाले, कच्चा मांस खाया, कॉफी पी, दारू पी और वहां पर गद्दे पर आराम से सो गया। जब सुबह नौकर आए तो उन्हें देखकर ग्रिफिन डर गया और वहां से भाग निकला। अब भागने के लिए फिर से उसने वही ट्रिक अपनाई, दवाई निकली और कपड़े उतार दिए। अब सर्दी फिर लगनी थी। फिर वो एक ऐसे स्टोर के अंदर गया जहां पर नाटक कंपनी के जो कलाकारों के कपड़े रखे थे, उस नकली नाक मूंछ चश्मे हैट वगैरह लगाई, दुकानदार को पीटा, पैसे निकाले और वहां से भी निकल लिया। अब वो लंदन के भीड़ भाड़ इलाके से काफी तंग हो चुका था। उसने सोचा क्यों न कहीं दूर किसी गांव में जाए। तो उसने ट्रेन पकड़ी और ईपिंग IPING नाम गांव में चला गया और वहां पर इनमें सराय में दो कमरे उसने रिजर्व कर लिए। जब तक उसके पास पैसे रहे उसने खाया पिया सोया, ना किसी से बातें की, आराम से वहां पर रहा। तो जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने फिर से चोरी की। इस बार उसने क्लेर्जीमैन पादरी के घर से चोरी की। जब वो चोरी कर रहा था तो सिक्कों की खनखनाट से पादरी की आंखें खुल गई। जैसे ही वो ऊपर उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि दराज खुला है, पैसे है नहीं लेकिन कोई आदमी नहीं वहां पर। वो बहुत हैरान हो गया। अब थोड़ी देर बाद चेयर जो जैसे मिस्टर इंडिया में होता था, चेयर आपस में ऐसे हिल रही। जो पादरी की वाइफ थी उसके कान में भी कुछ सांस लेने की आवाज आई। वो डर गए कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। उन्होंने क्या किया, आपस में पास वालों को इकट्ठा करके पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वाला वहां पर आया तो तब तक ग्रिफिन ने पुलिस वाले को देखकर अपना यानी कि कपड़े जो पट्टियां वगैरह लगाई थी उतारना शुरू कर दिया। अब तक इतना ही निकाला था उसका यानी कि हेडलेस। अब पुलिस वाला डर गया कि मैं तो ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने जा रहा हूं जिसका सिर ही नहीं है। धीरे धीरे ग्रिफिन ने फटाफट अपने कपड़े निकाले और भागने की कोशिश की। जब पुलिस वाले ने उसको पकड़ने की कोशिश की या दूसरे लोगों ने उसकी को असिस्ट किया तो जो भी उसको पकड़ता उसी को लात घुस्से मुक्के उसी को लगता। सभी डर गए, भाई मुक्का कौन खाना चाहेगा, लात घुस्से कौन खाना चाहेगा, सभी दूर हो गए। इस प्रकार ग्रिफिन वहां से भी भाग गया। तो ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन आप कह सकते। तो ये तो थी एक समरी ब्रीफ में। अब इसमें अंदर दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से दोनों में से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप 100% आपके एग्जाम में आएगा। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं।
डिस्क्राइब द इंसिडेंसेस व्हिच शोस दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। उन इंसिडेंसेस उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जो ये बताए कि ग्रिफिन एक कानून को तोड़ने वाला लॉलेस पर्सन है, या फिर इसकी समरी क्या है उसके बारे में आप विचार रखिए। सो ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग दैट कुड मेक हिम इनविजिबल। उसने एक ऐसी दुर्लभ ड्रग को इन्वेंट किया, सो डिस्कवर किया जिससे उसको इनविजिबल बना दिया। ग्रिफिन एंड हिज लैंडलॉर्ड डिडंट लाइक ईच अदर। ग्रिफिन और उसके मकान का मालिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। One day Griffin set his landlord's house on fire. एक दिन ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड मकान मालिक के घर को आग लगा दी। Then he swallowed his rare drug और बाद में उस rare drug को निगल लिया। He took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतारे and became invisible और अदृश्य हो गया। It was very cold outside, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी and he was without clothes और बगैर कपड़ों के था। He entered a store to pass the night there. उसने एक वर्क स्टोर के अंदर चला गया ताकि वो रात गुजार सके। He stole some food. उसने वहां से खाना, कपड़े और दारू चुराई, वाइन चुराई और पी ली। Then he attacked the shopkeeper. तब उसने शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया and robbed his money. और उसके पैसे चुरा लिए। He reached a village called Eeping. वो ईपिंग नामक गांव में पहुंचा। There he stayed at an inn. वहां पर एक सराय में रुका। He stole the clergyman's money. वहां पर उसने clergyman पादरी के भी पैसे चुरा लिए। A policeman was called. एक policeman को बुलाया गया। He hit the policeman when he tried to catch him. जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसको हिट किया। He became invisible. वो अदृश्य हो गया and escaped from there. और वहां से वो भाग गया। Thus we can say that He was really a lawless person. वो एक वास्तव में कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। अगर समरी आए तो ये लास्ट की लाइन आप छोड़ सकते हैं और करेक्टर स्केच आए तो आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिस्टर जेफर्स ट्राइज टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। उस सीन को डिस्क्राइब कीजिए जब मिस्टर जेफर्न ऐसे व्यक्ति के साथ स्ट्रगल करता है जिसका सिर ही नहीं है। डिस्क्राइब द पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। पुलिसमैन की इनविजिबल मैन के साथ फाइट का वर्णन कीजिए। मिस्टर जेफर्स वाज द विलेज कांस्टेबल। मिस्टर जेफर एक विलेज गांव का कांस्टेबल था। ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विलेजर्स गांव वालों की शिकायत पर ही केम टू अरेस्ट ग्रिफिन। वो ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए आया। He found that he had to arrest a man without a head. उसने पाया कि उसको तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। He tried to catch him. उसने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। Then Griffin took off his clothes one by one. तब उसने ग्रिफिन ने एक कपड़ा एक एक करके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। Thus he became invisible. Mr. Jeffer found himself struggling with a man. Jeffer ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति का स्ट्रगल कर रहा है whom he couldn't see at all, जिसे वो देख ही नहीं सकता। Then Griffin started showering blows upon Mr. Jeffer. तब Mr. Griffin ने Mr. Jeffer के ऊपर मुक्कों की व्यवहार कर दी। At last Mr. Jeffer fell down unconscious, मूर्छित होकर नीचे गिर गया। Mr. Jeffer on the floor पर। Dear students, ये वो पर्सन है जो HBSC में इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो बार अब तक बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। I hope इन वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। Thanks for watching.